Perbuatan dia. शब्दकोश भी बन गया। भाषा में वक्त के साथ साथ बदलाव बहुत आए, काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी उसने धारण किए, उसका ग्रामर भी बना, लोग उससे नजदीक होते गए, इतने नजदीक हुए कि उनकी पहचान भी शायद भाषा से मिली उन्हें। लोग तो कहते हैं कि भाषा लोगों में एकता पैदा करती है, लेकिन इस चीज़ को भी हम डिनाई नहीं कर सकेंगे शायद कि कभी भाषा हमको तोड़ भी सकती है। इस कश्मकश में हम शायद सारे जी रहे हैं। भाषा का ये सिलसिला सदियों पुराना है। इसके बदलते स्वरूप ने इंसान को तब भी हैरान किया था और शायद अभी हैरान कर रहा है, जिसकी वजह से आज का उन्वान है भाषा के बदलते स्वरूप, कंटिन्यूस एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज विथ टाइम।
और हमारे साथ हैं दो अजीज़ मेहमान जिनका इंट्रोडक्शन तो हो गया है मुझे लगता है, लेकिन के वो तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तो चलिए उनके साथ हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। मेरा पहला सवाल यादव जी से रहेगा और ये सवाल है, यादव जी हमें ये बताइए, हिंदुस्तान में हिंदी का स्टेटस दूसरे ज़ुबानों के मुकाबले क्या है और क्या होना चाहिए? अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 5000 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां हैं जो पूरी दुनिया में बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, व्यवहार में लाई जाती हैं। उसमें करीब 1600 भाषाएं या बोलियां हैं जिनको हम भारत में जो है सूचीबद्ध किए हुए हैं, जिनको उपयोग करते हैं, और इनमें से 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है मान्यता दी गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भाषाएं और बोलियां जो है पूरी दुनिया में हैं, और इसमें से कई भाषाएं और बोलियां हैं जो कहीं ना कहीं आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि जितनी भी भाषाएं और बोलियां हैं उनमें जो है किसी प्रकार की परस्पर ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि हर भाषा एक दूसरी भाषा को जो है समृद्ध बनाती है। और जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं, भारत में जितनी भी बोलियाँ और भाषाएं हैं, जैसे अगर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को जो है नोबेल पुरस्कार मिला, वो हिंदी की लिखी कृति नहीं थी बल्कि वो बंगाली में लिखा हुआ था जिसको बाद में जो है अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो हिंदी वाले जो है बंगाली से ईर्ष्या करने लगे कि नहीं साहब उनको तो जो है नोबेल पुरस्कार मिला और हमें नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। तो जो भाषाएं हैं बोलियां हैं अगर आपस में सद्भाव के साथ रहें और आपस में किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंद्वता या प्रतिस्पर्धा न हो तो इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास होता है। और आज के दौर की ये मांग है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं और बोलियों को जो है समझें। आज की जो युवा पीढ़ी है उससे हम लोग बार बार यही अपील करते हैं कि खूब पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाषाएँ और बोलियों को जो है व्यवहार में लाएँ। तो संदीप जी आप ही हमें बताइए कि सिनेमा और भाषा का क्या रिलेशन है? हेलो, सिनेमा जो है वो ऑडियो विजुअल मीडियम है और जैसे ही ऑडियो पहले है विजुअल बाद में, तो ऑडियो मतलब कुछ बोलना ही पड़ेगा, आवाज़ करनी पड़ेगी तभी वो, और वो भाषा से ही संभव है। वैसे संगीत वगैरह से भी आवाज़ आती है बट उसमें भी गीत के रूप में शब्द पिरोने पड़ते हैं। लेकिन मैं जो ये भाषा के बदलते स्वरूप की चर्चा शुरू करने के वक्त में एक बात पर जो जोर देना चाहूँगा कि भाषा ये है क्या, तो भाषा मुझे लगता है कि भावों की अभिव्यक्ति है। जो हम भाव प्रकट करना चाहते हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो माध्यम होता है उसको भाषा कहते हैं। अब हम अभिव्यक्त कैसे करें जिससे हमारी बात सामने वाले तक अच्छी तरीके से पहुँचे, उसमें जितनी सरलता होगी, सहजता होगी और जितनी स्वाभाविकता होगी वो उतना अच्छा संप्रेषण माना जाएगा भाषा का। तो सिनेमा तो इतनी मज़ेदार चीज़ है, जैसे हम लोग खाने में खिचड़ी बनाते हैं तो उसका स्वाद ऐसा होता है कि जिसका पेट भी ख़राब हो वो उसको भी डॉक्टर कहते हैं यार कुछ नहीं खा सकता तू खिचड़ी खा ले भाई। तो सिनेमा को जैसे खाने में जो खिचड़ी का स्थान है, भाषा के प्रयोग में सिनेमा को काफ़ी हद तक वो स्थान मिला हुआ है। कौन कैसे इस्तेमाल करता है, कितना इस्तेमाल करता है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस तरह से इस्तेमाल किया। यहाँ वहाँ पर तो इस लेवल की खिचड़ी है कि भाषा से बाहर की भी चीज़ें सिर्फ फोनेटिक्स पे अपलम चपलम जो किसी भाषा में नहीं मिलेगा, उआ उआ इसका भी इस्तेमाल होता है और लोग पसंद करते हैं, पौ पौ, तो इस तरह के साउंड तक इस्तेमाल होते हैं जो एक प्रकार से भाषा का एक हिस्सा है। तो सिनेमा तो भाषा की ऐसी सेवा कर रही है बिना किसी क्रेडिट के, उन लोग को थोड़ा सा वैसे देखा जाता है, मेरे तो बड़ी तारीफ में लोग कहते रहते कि ये हमारे बीच में मौजूद है फिल्मी गीतकार, वो क्यों बार बार फिल्मी लगाते हैं मुझे ये पता नहीं है। तो भाषा के लिए तो मतलब सिनेमा के मैं कितने एग्जांपल दूं बताइए आपको, कि आप भाषा को जिस तरीके से सिनेमा लेके आई आम जन की भाषा और सरल कर दिया है। जैसे एक फिल्म का उदाहरण देता हूँ शोले, तो उसमें आप देखेंगे कि एक कैरेक्टर आता है सुरमा भोपाली,
तो वो अलग डायलेक्ट में बात करता है जो कि फिल्म का साउंड नहीं है, तो क्लियर पता चल जाता कि ये आदमी एक सर्टेन इलाके से आता है और उससे एक रोचकता पैदा हो जाती है। सारे कैरेक्टर उसमें, गब्बर सिंह अलग तरह से बात, तो भाषा के इस्तेमाल चरित्र के साथ जोड़ने से कैसा एक इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती, कहानी का कहने का जो तरीका है वो कितना सुगम और सहज और मज़ेदार हो जाता, लज्जतदार हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, तो इस तरह से सिनेमा भाषा की सेवा कर रहा है। बहुत खूब। तो यादव जी हमें ये बताइए कि आपने जब लिखने की शुरुआत की थी तो उस जमाने में भाषा कैसी थी, और अब के ज़माने में जब लोग कहते हैं कि नया दौर है, नई हिंदी है, अब भाषा कैसे तब्दील हो गई है, तो इस डिफरेंस के बारे में कुछ रोशनी डालिए आप। जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तब जब लिखा करते थे और आज जब लिखा करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत चेंजेज आ गए हैं। हम लोग को याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों से सुलेख लिखवाया जाता था, उस समय हम लोग निबंध लिखा करते थे, यहाँ तक कि चूंकि मैं डाक विभाग से हूँ तो मेंशन भी करना चाहूँगा कि उस समय हम लोग खूब पत्र भी लिखा करते थे। हर क्लास में सिखाया जाता है कि अपने पिताजी को पत्र लिखो, माँ को पत्र लिखो, दोस्तों को पत्र लिखो, न जाने कितनी चीज़ें थी। और सबसे जो बड़ी बात थी कि हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात है कि जो भी चीज़ हुआ करती तो उसमें हमारी मौलिकता कहीं ना कहीं जुड़ती थी। तीसरी बात थी कि उसमें जो हमारी सृजनात्मक शक्ति थी उसका जो है विकास होता था। जैसे आज की अगर हम दौर की बात करें, हम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर बहुत कुछ दिन भर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो लेखन है उस लेखन से जो है बहुत अलग है, क्योंकि इसमें जो है कॉपी पेस्ट ज़्यादा हो गया है, इसमें किसी प्रकार की मौलिकता नहीं है। जो उस दौर में जो चीज़ें लिखी गई, जैसे आज भी आप देखेंगे कि जो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, कभी आप गांधी जी के पत्र देखें, कभी नेहरू जी के पत्र देखें, आज लाखों करोड़ों रुपये में उनकी नीलामी होती है। सवाल पैदा होता है कि आज क्या ये जो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है क्या 5 साल बाद आपको कहीं दिखेगा, क्या इनकी कहीं नीलामी होगी, क्या इसको हम आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने जा रहे हैं, शायद नहीं। तो सबसे जो बड़ी चीज़ थी उस दौर में कि वाकई हम अपने दिल से भी लिखते थे और दिमाग से भी लिखते हैं, और आज न तो हम दिल इस्तेमाल करते हैं न दिमाग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है लेखन में जो है एक सतहीपन जो है आ गया है। ऐसा नहीं कि गंभीर नहीं लिखा जा रहा है, बहुत गंभीर लेखन भी हो रहा, अच्छा लेखन भी हो रहा है, लेकिन आप एक सामान्य रूप में देखेंगे कि लेखन का जो स्तर है धीरे धीरे जो है समाज में घट रहा है। यहाँ तक कि जो हम लोग शोध करते हैं, हम लोग को याद है कि जब उस दौर में शोध हुआ करता था तो लोग तमाम जो है बहुत कुछ पढ़ा करते थे, और अब अगर किसी को शोध करना होगा तो वो गूगल बाबा की सहायता लेता है। हम लोग कहते हैं कि भाई एक जगह से उठाया तो वो चोरी है और 10 जगह से उठाया तो शोध हो गया जो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ जो है बदली हैं, टेक्नोलॉजी का स्वरूप बदला है, लिखने का तरीका बदला है, लिखने में जो शब्द हैं उनकी जो भाव भंगिमाएं बदली हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक दिन लौट कर करके फिर वहीं पर जाएंगी जिस दिन हम लोग अपने हाथ से जो है लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि असली जो सृजन है, असली जो है लेखन है वही है। तो जब भाषा की बात आती है और हिंदुस्तान में भाषा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि उर्दू हिंदी का जो डिबेट चला आ रहा है उस पर कुछ रोशनी डालनी चाहिए हमें। तो एक बार कहीं रक्षंदा जलील साहिबा ने कहा था कि उर्दू और हिंदी एक अखाड़े के दो पहलवान हैं और दोनों एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है? उसके अलावा लोग कहते हैं कि 1947 के बाद, क्योंकि उर्दू हिंदुस्तान की ही ज़बान है, लेकिन 1947 के बाद एक मजहब से जोड़ दी गई जिसकी वजह से उसका बड़ा नुकसान हुआ है। तो संदीप नाथ जी, इसके बारे में कुछ कहिए आप। देखिए, मज़ेदार बात यह कि पाकिस्तानी लोग सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी सिनेमा देखते हैं, ये आप जान लीजिए। उनके जो आइकन्स हैं वो हमारे हीरो हैं सारे, शाहरुख खान, सलमान खान। तो हमें तो इस बंटवारे से और इस पॉलिटिक्स से कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। हमारी फिल्में तो बेचारे वो कैसेट मंगा मंगा के देखते थे, अब नेट पर देखते हैं। मतलब वहाँ अगर फौज मार्शल लॉ भी लगा दे तो छुप छुप के फिल्में देखेंगे, हिंदुस्तानी फिल्म तो वो छोड़ नहीं सकते। तो इससे ही पता चलता है कि सिनेमा कैसे खिदमत कर रहा है हिंदी उर्दू को। और जहाँ तक ये आपने कहा कि हिंदी उर्दू या कोई भाषाएं अखाड़े और पहलवान, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक गाना है, मान लीजिए कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम काम करेगा। अब ये गाना ही शुरू होता है ऐसे वर्ड से, ना वो हिंदी में है ना उर्दू, पापा पापा कहाँ से आया है इसको, ये तो हिंदी उर्दू दोनों ही नहीं है, किसी तीसरी भाषा का शब्द है। बट ये गाने को क्या माना जाएगा? इसको हिंदी सिनेमा अगर कहें या हिंदुस्तानी कहें, इसको हिंदुस्तानी गाना माना जाएगा। पापा वर्ड आ जाने से ये गाना अंग्रेजी का नहीं हो गया, या जहाँ से पापा शब्द आया वहाँ का नहीं हो गया है।
तो यही खूबसूरती कि हम हिंदी उर्दू तो छोड़िए, तीसरी भाषा का शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक गाना और है, अगर आपको योगा, उसने बोला केम छे, मैंने बोला एम छे एम छे। अब ये देखिए क्या सुंदर चाट पकाई है। तो यहाँ छे अगर नहीं आता, उसने बोला तुम कैसे हो, इसका साउंड ही नहीं आ रहा है। तो हम तो गुजराती को भी ले आ रहे हैं हिंदी उर्दू के साथ, हम कहाँ कर रहे हैं अलग। तो अगर खिचड़ी में दाल चावल के साथ पापड़ भी आ जाए तो क्या बुरा है। तो भाषाएं तो इस तरीके की चीज़ है कि जिसकी सरहद ही नहीं है। ये समुंदर है जिसमें हजारों लाखों नदियां मिली हैं। 5000 तो भाषा बताया जैसा कि यादव जी ने, तो 5000 नदी तो कन्फर्म है इस एक समुंदर में आके मिल रही है, जिसमें से कुछ संगम हम लोग फिल्मों में कर लेते हैं और जिसको ऑडियंस पसंद करती है। तो उससे मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों एक बुआ और मौसी जैसा है। बुआ अच्छी कि मौसी, तो बताना बड़ा मुश्किल है। फिर एक छोटी सी बात इसमें, खुद उर्दू चार भाषाओं से मिलकर बनी है, यानी एक औरत वो मेरी बुआ भी है, वही मेरी मौसी भी है। तो और मुसीबत है कि तुम्हें बुआ अच्छी लगती है मौसी, बोला अरे मैं कैसे बताऊँ, ये तो मेरे साथ डबल रिश्ता है। तो अच्छा भाई, तो उसी तरीके से खुद उर्दू चार भाषाओं से मिलकर बनी हुई है, उसमें हिंदी है, उसमें अरबी है, उसमें फारसी है, उसमें अंग्रेजी का भी पुट है। इसी तरह से हिंदी में संस्कृत है, और भी कई भाषाओं के शब्द उसमें लिए गए हैं, और बोलियां हैं 5-6 हमारी, उसका उसमें इनपुट है, अवधी का, ब्रज का, भोजपुरी का। तो जब वो खुद ही कई लोगों से चीज़ से मिल के बनी है, तो फिर ये लड़ाई तो आनी ही नहीं चाहिए। ये मुझे लगता है ये खामखा की कुश्ती है, जो नूरा कुश्ती है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। शुक्रिया। उर्दू हिंदी की बात हो गई, लेकिन मैं एक चीज़ पेश करना चाहूँगी, और जिससे हमें एक मौका मिलेगा भाषाओं के मिश्रण का, मिश्रण कैसे होता है। तो मैं बैंगलोर सिटी की हूँ, तो बैंगलोर में एक बड़े फेमस आरजे हैं जिनका नाम है आरजे राकेश, और वो दक्कनी उर्दू जो बोलते हैं, दक्कनी हिंदी जो बोलते हैं, उसमें एक प्रोग्राम पेश करते हैं, वो काफ़ी फेमस है। तो मैं पहले आपको वो एक छोटा सा एपिसोड बताऊंगी, और उसके बाद आपको वो जो डिफरेंस हो रहा है अलग अलग, जैसे एक ही वर्ड कैसे नॉर्थ से साउथ तक आते आते उसका जो रूप है वो बदल रहा है। तो उसी तरीके आप तलफ्फुज में भी गौर ध्यान दीजिए। तो सुल्तान स्कूल ऑफ स्पीच, सीखो मेरे साथ इंग्लिश की दो बात, ट्विस्ट टू इंग्लिश वर्डा, वर्ड का प्लूरल है वर्डा दक्कनी में, या फिर उर्दू में वर्ड्स है वो एक्चुअली, लेकिन हम बोलते हैं वड़ा। ऑडियो और वीडियो, ऑडियो का तो सुनने का, कतो का मतलब है इसका मतलब सुनने का, हियरिंग इयर्स, वीडियो का तो देखने का, सीइंग आईज। नाउ पुट इट वन सेंटेंस, व्हेन वाइफ हिटिंग ऑडियो वीडियो बोथ ब्लॉकिंग, आज मॉर्निंग को मॉर्निंग बोलते हैं और उसके साथ इच लगाते हैं, जो मराठी से आया हुआ है दक्कनी में। आज मॉर्निंग इच मेरी वाइफ मंजे मुझे को मंजे कहा जा रहा है, जोर से पंचा मार डाली माँ, पंचस को पंचा मार डाली माँ, अभी तक मेरा ऑडियो वीडियो गुई करले को है। तो मुझे ये ज़रूरी था बोलना कि कैसे अगर हम एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, तो कैसे अलग अलग मुकामात में एक ही भाषा, यानी कि हिंदी और उर्दू ही है, अगर किसी दक्कन से जो इंसान है दक्कनी बोल रहा है, उसको अगर बोलेंगे कि यार जो तुम बोल रहे हो वो हिंदी नहीं है, उर्दू नहीं है, वो गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये उर्दू है। तो इस तरह का जो मिश्रण है, क्या ये अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, कहते हैं कि भाषाएं और बोलियों का विकास तभी होगा जब आदान प्रदान होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मिश्रण कोई खराब चीज़ है, मिश्रण अच्छी चीज़ है। लेकिन सवाल, मिश्रण में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अच्छा मिश्रण और एक होता है खराब मिश्रण। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छे रूप से मिश्रित करते हैं या खराब रूप से मिश्रित करते हैं। क्योंकि मिश्रित होने के बाद चीज़ों का आनंद तभी आएगा जब उसका कोई अर्थ निकलता हो, और अर्थ तभी निकलेगा जब वाकई जो हमारा साहित्य का परंपरा है, जो भाषा का परंपरा है, उसमें कुछ न कुछ वो संवर्धन करे, कुछ न कुछ जो है वैल्यू ऐड करे। तो मिश्रण में कोई बुराई नहीं है। और आज अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की ही बात करते हैं, हर साल जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अपडेट होती है, हिंदी के ऐसे ऐसे शब्दों को उन्होंने अपने में लिया है कि आप आश्चर्य करेंगे। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है गोरा, यार, चड्ढी, लहंगा, बिंदास, अन्ना, इवन अब सूर्य नमस्कार, योग,
नमस्ते, ये तमाम ऐसे शब्द हैं जो हम हिंदी में या अन्य जो है क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोग करते हैं, आज उसको जो है अंग्रेजी में जो है लिया है। और ऐसा नहीं है, कई चीज़ हम लोग अंग्रेजी के, जैसे सिनेमा, हम लोग सिनेमा बोलते हैं। अब सिनेमा की हिंदी तो चलचित्र है, लेकिन अगर आप किसी को चलचित्र बोलेंगे तो शायद नहीं समझ में आएगा। मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस याद आता है, भाषाओं की बात आ रही है। एक बार एक प्रोफेसर साहब थे, वो जो है रिक्शे से उनको जाना था, तो उन्होंने उसको बोला कि मुझे जो है विश्वविद्यालय छोड़ दो, रिक्शे वाले को। उसने बोला कहाँ छोड़ दें साहब? बोले विश्वविद्यालय। अरे बोले विश्वविद्यालय क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी। तो बोले साहब हिंदी में बोलो ना, ये अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? तो वो चीज़ें हैं हमारे साथ कि इतना हम लोगों की ज़ुबान में घुस गया है कि यूनिवर्सिटी ज़्यादा समझ में आता है। कोई बोले रेलगाड़ी ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन ट्रेन हमको ज़्यादा समझ में आता है, हमको सिनेमा ज़्यादा समझ में आता है। कोई बोल दे चलचित्र, कोई बोल दे पटल। तो इस प्रकार अगर भाषाएं जो हैं आपस में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, जैसे अभी जो है संदीप नाथ जी कह रहे थे कि खिचड़ी, तो वही चीज़ है कि कई बार जो खिचड़ी का भी जो है आनंद लेना चाहिए, लेकिन बस डिपेंड उस पर करता है कि उसके बाद फाइनली खिचड़ी का स्वाद कैसा है। तो स्वाद अच्छा रहेगा तो ये जो है मिलन भी अच्छा रहेगा। बहुत खूब। संदीप नाथ जी, आप इसी टॉपिक पे कुछ रोशनी डालिए। खिचड़ी हजम हो जानी चाहिए, वो वाली बात है। बाकी इसका टेक्निकल पहलू तो यादव जी ने बता दिया, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ कि देखिए, मान लीजिए कोई आदमी कलकत्ता में है, मेरी मातृभाषा चूँकि बांग्ला है तो, और मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, ये सब देखिए मज़ा है हमारे हिंदुस्तान का। तो वहाँ बरसात होने लगी, देखो ए पानी गिरता है, पानी गिरता है, छाती खोलो, छाती खोलो। अरे क्यों छाती खोलू भाई? बोले नहीं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला खोलो। अच्छा अच्छा, तो छाता खोलो। तो छाता को वो छाती बोल रहा, उसका मतलब बदल जा रहा है। तो अब लेकिन वो बेचारा हिंदी बोलने की जो कोशिश कर रहा है उसकी, उसको सलाम होना चाहिए इस बात से, एक हाथ सिक्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। उसको समझ में नहीं आया दो मिनट के लिए। तो मैंने, अब मैं चूंकि नॉर्थ से गया, तो मैंने कहा अच्छा यार तुम लोग छाता को छाती क्यों बोलते हो? तो बोला हमको पता नहीं है, तो क्योंकि बाकी चीज़ों को वो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर देते हैं। पुलिस आता है, तुम किधर जाता है, ये लड़की जाता है, कैसा कपड़ा पहनता है, वहाँ उल्टा कर देगा और छाता को छाती बोलेगा। ये इसको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो संप्रेषण क्लियर हो गया, हम समझ गए वो कहना क्या चाहता है। ये देखिए क्या है, भाषा सिर्फ पढ़े लिखे लोग या साहित्यिक लोग ही नहीं बोलते हैं, ये बड़ा मुसीबत है। दूध को जब खौलाएंगे ना, तो उसमें मलाई केवल 7% निकलती है, बाकी दूध और छाछ ही रहता है उसके अंदर। और उसके अंदर दूध को जब अलग करेंगे तो उसमें बहुत सारा पानी होता है। तो भाषा में पानी का अंश ज़्यादा है, पूरी दुनिया में भी पानी ज़्यादा है। पानी मतलब अशुद्धता, सरलता, तरलता। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? वो जो कहा कि यादव जी ने कि हजम हो जाना चाहिए, मतलब समझ में आ जाए। अब किसी ने मान लीजिए कोई ऐसी क्लिष्ट भाषा में मुझे कुछ बोल दे, मेरे समझ ही में ना आए, जैसा कि एक उन्होंने यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी शुद्धता का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह से बहुत समृद्ध कुछ भाषाएं लुप्त हो गई अपनी इस हठधर्मिता और कठिनता की वजह से, और बहुत सारी सरल भाषाएं जिंदा हो रही हैं या ग्रो कर रही हैं, बिकॉज उसमें सरलता तरलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। और भाषा जो है सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें रोचकता और सरलता हो, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है भाषा का जो अभिप्राय है, यही है। शुक्रिया। तो इसके बाद हम चलते हैं कैसे आजकल जो आज की पीढ़ी है वो एक कश्मकश में खोई हुई है। तो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं बेंगलोर से हूँ तो मुझे कन्नड़ा सीखना पड़ा, लिखना पड़ा, तो मैं कन्नड़ा जानती हूँ। उसके साथ साथ क्योंकि हिंदी तो हम सबको सीखनी है, तो हम हिंदी भी सीखे हैं, तो थर्ड लैंग्वेज उसको लिखना पढ़ना बोलना सब सीखे हैं। मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, तो क्योंकि मेरी माँ उर्दू दान थी तो उर्दू भी सिखाई गई। अंग्रेज़ी तो खैर सीखनी ही है, क्योंकि अंग्रेज़ी मीडियम से है, थोड़ा बहुत अरबी भी सीख ली। तो फिर अब मुझे लगता है कि मुझे किसी भी लैंग्वेज में एक ठोस कमांड नहीं है। हर लैंग्वेज, हर ज़बान में थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ। और शायद यही प्रॉब्लम है आजकल की पीढ़ी की भी, क्योंकि अगर एक भी ज़बान सही तरीके से उसका सिंटैक्स, उसका ग्रामर अगर पूछा जाए तो शायद वो अटक जाएं। और उसके अलावा इससे पहले जो पीढ़ी थी या फिर हमारे माओं का ज़माना था, तो तब उनकी लैंग्वेज में, ज़बान में लचक थी, बहुत इडियमैटिक ज़बान बोलते थे, उसमें सिमिलीज होती थी, मेटाफर्स होते थे, प्रोवर्ब्स होते थे, कहानियाँ होती थी। लेकिन आजकल ज़बान को बस ढांचे की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बस आम बोलचाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं,
उसमें वजन नहीं है, तो इस पर यादव जी आप कुछ रोशनी डालिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि बोलियों में मिश्रण होते रहना चाहिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है जो है बोलचाल की भाषा हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है कि साहित्य कला और संस्कृत की क्या भाषा होनी चाहिए। क्योंकि जो बोलचाल की भाषा है वो तो कुछ हद तक चल जाता है, उसमें मिश्रण सही है, लेकिन जब हम साहित्य कला संस्कृति की बात करते हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा मिलावट जो है फिर जो है खतरनाक साबित होने लगता है। क्योंकि कोई भी जो भाषा होती है उसका अपना एक व्याकरण होता है, और बिना व्याकरण के बिना जो उस भाषा का जो है कोई मतलब नहीं है। जैसे आजकल हम सोशल मीडिया की भाषा देखते हैं, अब अगर यू आई वो यू, वो सिर्फ यू से लिख करके कलम चला लेंगे, अगर उनको गुड मॉर्निंग लिखना है तो सिर्फ जीएम से लिख करके कलम चला लेंगे, और जब उनसे पूछिए तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो सवाल किया आपको हक किसने दिया कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भाषा से खिलवाड़ करें, क्योंकि जिनके पास समय है या जिन्होंने सदियां लगा दी इस भाषा को इस स्तर तक पहुंचाने में, हमें कोई हक नहीं है कि सिर्फ हम सोशल मीडिया पर या कहीं भी अपनी सुविधा के लिए उसके साथ तोड़फोड़ करें। तो भाषा के साथ जो किसी भी प्रकार की जो है तोड़फोड़ जो है नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो तब हो कि जब हम कुछ नए शब्द ईजाद करें। अभी क्या है कि एक लंबी जो है लकीर है, हम उसी में कुछ काट छांट कर कर करके बोलते हैं, नहीं ये देखो हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। तो भाषा की जो शुद्धता है वो बहुत जरूरी है, वो चाहे सिनेमा का माध्यम हो, चाहे साहित्य का माध्यम हो, चाहे संस्कृत का माध्यम हो, और सबसे बड़ी बात पाठ्यक्रमों की बात है। अगर आज हम सोशल मीडिया की भाषा वाकई में जो हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं अगर वो वहाँ पर लिख कर करके आ जाएं अपने नोटबुक में, तो क्या उनको नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्या जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, आईएएस पीसीएस के एग्जाम हो रहे हैं, क्या इस भाषा पर नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हम लोग के पास तमाम है जो ऑफिसर्स फाइल आती हैं, अगर उसमें कोई इस तरह की चीज़ें लिखने लगे तो क्या हम लोग उसको एग्री होंगे? नहीं एग्री होंगे। कई बार होगा कि उसका एपीआर हम लोग डाउन कर देंगे कि तुम्हारी जो है भाषा जो है नहीं सही है। और कई बार होता है कि जब भाषा का जो बोलने का जो लहजा होता है, जो भाषा की मिठास होती है, उसकी गंभीरता से आती है, जो भाषा का जो सतहीपन है वो भाषा को जो है बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। अगर किसी भी भाषा को हमें दूर तक ले जाना है तो उसकी गंभीरता को जो है सुरक्षित रखना पड़ेगा, और ये गंभीरता पाठ्यक्रमों से लेकर कर कर करके साहित्य तक जो है जुड़नी चाहिए। संदीप नाथ जी आप कुछ इस मौजू पर बात कीजिए। जैसे मैंने सरलता पे जोर दिया तो उसका गलत मतलब भी नहीं निकाल ले लोग। अब सरलता मतलब ऐसा नहीं जैसे गुड मॉर्निंग का जीएम, थैंक यू का टीवाई। अब टीवाई टेक केयर है या वो थैंक यू है, मैं तो मेरे को तो समझ में नहीं आता। मैं थैंक यू लिख दिया, टीवाई लिखा तो थैंक यू लिख दे पूरा। तो इतना भी शॉर्ट ना कर दे, इतना भी सरल ना करने लग जाए कि अधूरा हो जाए या कटा छटा जैसा हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये ध्यान रखे। जहाँ तक सवाल है फिर वो कठिन और सरल का, एकेडमिक्स के लिए तो आपको भाषा की पूरी जानकारी होनी चाहिए जैसे मैं, लेकिन होता क्या है कि फिर इस्तेमाल के वक्त चुनाव अपने आप शुरू होता है। मैं एक ही भाषा पे आता हूँ, जैसे हिंदी में बड़े के लिए एक शब्द होता है ज्येष्ठ, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं और ये मेरे बड़े भाई हैं, दोनों ही हिंदी में हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे खुद ही ज्येष्ठ भ्राता को बड़े भाई ने टेक ओवर कर लिया अपने आप ही, वो धीरे से उसके बगल से आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सरलता है उसके लिए और इस्तेमाल में सुविधा है, और बहुतायात में लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। जो वर्ग है, अगर 100 आदमी बोलते हैं उस भाषा को तो शायद 5 आदमी ज्येष्ठ भ्राता बोलें और 95 आदमी बड़े भाई बोलेंगे। लेकिन अगर किसी को ये पता है कि इसका दूसरा वर्जन ज्येष्ठ भ्राता है और वो बड़े भाई बोल रहा, तब तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति है, तो भाषा भी बची रहेगी और इस्तेमाल भी आगे बढ़ेगा। और अगर सिर्फ उसको उतना ही पता है तो कभी टेस्ट होगा तो फंस तो जाएगा, ये बात तो सही है। तो इसीलिए दोनों का एक समन्वय संतुलन रहे तो ज़्यादा मज़ेदार बात है। एक बड़ा हम लोग व्यवहारिक तौर पर शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। तो इन तीनों का अंतर समझिए। नमस्ते कई बार होता है कि हमारा जो छोटा होता है वो भी हमको नमस्ते कर लेता है, नमस्कार जो है हम बराबरी में करते हैं, और प्रणाम जो है अपनों से बड़ों को करते हैं। तो ये समझिए कि यही जो है भाषा की जो शुद्धता। अगर आप अपने कोई बड़ा है, अपना आपके पिताजी, अगर आप उनको बोले नमस्ते पिताजी, तो क्या वो भाव आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए जरूरी है, मैं कह रहा था कि जो भाषाई शुद्धता है, जो प्रणाम कहने में चीज़ है, तो आदमी को वो गंभीरता समझ में आती है। नमस्कार बराबरी में, अगर मैं संदीप नाथ जी को कहूँ प्रणाम तो इनको लगेगा यार मेरे को बड़ा तुमने बुढ़ा बना दिया जो है, अभी मैं उतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, ठीक है ना। तो नमस्कार वाली जो है भाषा जो है अच्छी है। तो यादव जी आपने बच्चों के अदब पे काफ़ी काम किया है, बाल साहित्य पे काफ़ी काम किया है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब आपने शुरुआत की तो बाल साहित्य यानी कि बच्चों का अदब कैसे था, और अब अगर कोट किया जाए नया दौर जो है
उसमें बाल साहित्य कैसे तब्दील हो रहा है, उस पर आप कुछ बातें बताइए। बाल साहित्य, कई बार जो है साहित्य में तो यही सवाल उठता है कि क्या जो है साहित्य में इस प्रकार का साहित्य होना चाहिए। कभी हम बाल साहित्य की बात करते हैं, कभी नारी विमर्श के साहित्य की बात करते हैं, कभी आदिवासी साहित्य की बात करते हैं, कभी दलित साहित्य की बात करते हैं, कभी विकलांग साहित्य की बात करते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर साहित्य को आगे बढ़ाना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है विमर्श होने चाहिए। जहाँ तक बाल साहित्य की बात है, मुझे लगता है कि जब हम बाल साहित्य, अगर मेरी अग्नि बात कहें तो मेरी यहाँ पर दोनों बेटियाँ भी यहाँ पर हैं, मैंने बाल साहित्य तभी लिखना स्टार्ट किया जब इनकी पैदाइश हुई। मुझे इनके साथ बच्चा बनना पड़ता था, और जब मैं बच्चा बनता था तो मेरे अंदर के जो भाव थे, कहीं ना कहीं होता ना कि बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो आपको रात में जगना भी पड़ेगा, तो करेंगे क्या, तो कई प्रकार के वो जो भाव मन में आते थे वो जो है पन्नों पर जो है उतरने लगे। इस प्रकार से जो है मेरे अंदर जो है बाल साहित्य का जो है जन्म हुआ। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले आपको जो है बच्चा बनना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ब्रॉडवे में बात करें बाल साहित्य की, तो जिस बाल साहित्य के साथ हम लोग बड़े हुए हैं उसमें बहुत चीज़ें थीं। सबसे जो बड़ी चीज़ थी बाल साहित्य की, उसमें आप देखेंगे कि वो दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ थीं जो परंपरागत रूप में चलती थी, जिनके साथ हम लोगों के संस्कार विकसित हुए। दूसरा चीज़ था, एक वो दौर था कि जब हम लोग पढ़ा करते थे चंदा मामा, चंपक, लोटपोट। चंदा मामा तो शायद बंद हो गई, लेकिन अन्य पत्र पत्रिकाएँ जो है चल रही हैं, लेकिन शायद नई पीढ़ी उनसे बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हो पा रही। और तीसरी जो बात थी, उस दौर में जो कहानियाँ होती थीं उसमें आप देखेंगे उसमें जो है परियाँ हुआ करती थी, राजा रानी हुआ करते थे, भूत हुआ करते थे, लेकिन हमको वास्तव में नहीं पता कि ये परियां हुआ करती हैं कि नहीं, ये भूत हुआ करते हैं कि नहीं। तो कई बार इनका एक नकारात्मक असर भी पड़ता है कि व्यक्ति के मन में बचपन से ही भर जाता है कि ये कोई भूत नाम का चीज़ होता होगा जो हमें डराता होगा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो है बदलने लगी हैं। अब भूतों की कविताएँ कहानियाँ नहीं लिखी जाती हैं। आज तमाम जो गैजेट्स आ रहे हैं उनको लेकर करके लिखा जा रहा, मोबाइल को लेकर के लिखा जा रहा है, लैपटॉप को लेकर लिखा जा रहा है, जो बच्चे आज कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं उसको लेकर करके लिखा जा रहा है, यहाँ तक कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो जो है कविताओं में जो है स्थान पाने लगी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि टेक्नोलॉजी स्तर पर भी जो है परिवर्तन हुआ है, और इसके कंटेंट के रूप में भी जो है तमाम जो है चीज़ें जो है परिवर्तन ला रही। तो हमने मिश्रण की बात की, डायलेक्ट्स जो अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं उसकी भी बात की। जैसे अब हिंदी में मतलब बोल सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और हैदराबादी में वही बोलेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, और बेंगलुरु में फिर नीचे आते आते जबान बदलेगी और वो बोलेंगे तुम्हें की वो क्या कर रही सो। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी ऐसे डायलेक्ट्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। तो संदीप नाथ जी से ये सवाल है मेरा कि क्या हम इन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर पहरेदारियां लगाकर इनको रोकना चाहिए ताकि एक ही तरह की हिंदी पूरे हिंदुस्तान में बोली जाए। नहीं नहीं, इसे सेलिब्रेट ही करना चाहिए। अगर इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो मैं तो नैन लड़ जाइए हैं ये गाना ही नहीं बनेगा। तो फिर कि नैन लड़ जाएंगे, अब नैन लड़ जाएंगे और नैन लड़ जाइए में बड़ा फर्क है भाई। तो ये जो हमारे डायलेक्ट्स हैं, जो कहा यह जा सकता है कि अपने आप में पूरी भाषा की जितनी उनकी सामर्थ्य है, लेकिन उनको हम बोलियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रामर चूंकि एक ही है। अब जैसे हिंदी में मुख्य रूप से पांच प्रकार के डायलेक्ट्स हैं, एक है भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली। फिर जब हिंदी का ग्रामर डेवलप हो रहा था तो उस वक्त ये तय किया गया कि खड़ी बोली को हम लोग एक भाषा का रूप देते हैं, कि जैसे मुझे नहीं पता है तो ब्रज वाला बोलेगा मोय नाय पतो, अवधी बोलेगा हमका नहीं मालूम या हमका नहीं पता बा, भोजपुरी वाले का हमनी के पता नहीं खे, ऐसा कुछ ना सर, भोजपुरी में ऐसा ही कुछ है, हमनी के पता नहीं खे, और हमके ना पता बाटे, वो भी उसमें भी कई कई डायलेक्ट हैं, लेकिन मुझको पता नहीं है ये फिक्स किया गया कि भाई एक भाषा को जो साहित्य और ग्रामर के हिसाब से। तो लेकिन वो जो बाकी चार उसके डायलेक्ट्स हैं वो रहने चाहिए, उनको भी जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ माँ के माँ रहने से काम नहीं चलेगा, घर में चाची मौसी सब चाहिए, पूरा कुनबा रहना चाहिए, नहीं तो सावन में झूला कैसे झूलेंगे, माँ अकेली झूलती रहेगी क्या। तो जब घर में शादी होगी तो ढोलक कौन बजाएगा। तो ये भाषाएं हैं मज़ा लेने के लिए, उत्सव के वक्त। तो ये सब आप याद होगा कि जब कभी हर जगह होता है फोक में तो किसी बुजुर्ग औरत को बुलाया जाता है, चाची या दादी वो गा दो ना जरा वो, तो वो एक अलग तरह की लैंग्वेज में उनके वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, कुछ गा के सुनाती हैं जिसको बड़ा मज़ा आता है सबको। तो वो इसीलिए है, और उनको पता, वो आज बात भी करती हैं उसी डायलेक्ट में, वो उनको हिंदी या जो भी भाषा उसका सीधा ग्रामर नहीं पता है, वो डायलेक्ट में बात करती हैं, तो उसका रस रह जाता है। तो ये हमारी थाथी है, ये हमारी धरोहर है जो डायलेक्ट्स हैं, और इसको रहना चाहिए, जो ये मुख्य भाषा को भी सपोर्ट करती हैं।
तो यादव जी आप इस मौजू पर कुछ बोलना चाहेंगे? संदीप जी की बातों से पूरा इत्तफाक रखते हुए बस एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि जब हम पहरेदारी की बात करते हैं तो पहरेदारी बेसिकली अनुशासन से जुड़ी हुई चीज़ है, तो पहरेदारी जो हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक पहरेदारी नहीं होनी चाहिए। जब हम एक पहरेदार बिठाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि हर किसी को रोकना है, उसको ये ध्यान रखना होगा कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आएँ और जो बुरी चीज़ें हैं वो वहीं पर जो है रुक जाएँ। और पहरेदार का एक काम और होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सारा का सारा माल ही कोई जो है उड़ा ले जाए और बाहर से सारी अपनी जो है गंदगी जो है डंप कर जाए। तो जो पहरेदारी अनुशासन, जैसे तमाम पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें जो संपादक होता है वो एक पहरेदार का कार्य करता है, ऐसा नहीं कि सारी रचनाओं को जो है वो स्थान दे देगा। जो व्यक्ति फिल्म का डायरेक्शन कर रहा है वो भी एक पहरेदारी का ही कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं कि फिल्म में सारे कंटेंट, अगर एक्टर ने बोला कि ये गाना होना चाहिए तो जरूरी नहीं कि जो है डायरेक्टर उससे इत्तफाक रखे, वो बोल सकता है कि नहीं यार इसके साथ ये चीज़ें मैच नहीं करती हैं। तो पहरेदारी जो है हमेशा जो है सकारात्मक वे में होनी चाहिए। शुक्रिया संदीप जी, ये सवाल आपके लिए, शब्दों के जिंदा रखने में गीतों की क्या योग्यता है? शब्दों को जिंदा रखने में गीत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से आता हूँ, से साहित्य में भी करता हूँ काम, बट किताब 500, 1000, 10000 किताब हो जाए तो उसको बहुत बेस्ट सेलर कह देते हैं, बट गाना तो 790 मिलियन तक, आज तक शायद 800 मिलियन तक चले गए हैं गाने। तो अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक गाना आया बुलिया करके गाना आया, तो उसमें एक वर्ड आया तजल्ली, तो उससे एक नया शब्द जिंदा हो गया कि तसल्ली तो सबको पता था, तजल्ली हमें पता नहीं था। उसी तरह का से एक गाना है कि भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा समझ में आ गया, लगे अब्र सा ये तन तेरा, तो अब्र क्या है, तो उसने अंदाज लगा लिया कि कुछ तारीफ की बात हो रही है, तो राइटर ने अब्र शब्द को जिंदा कर दिया। यहाँ पर भूमिका शुरू होती है सुनने वालों की, कि वो जब गूगल चाचा उनके पास है तो कम से कम जाके अब्र का मीनिंग पता कर लें, और उसको अगर अब्र का मीनिंग पता चल जाए तो पूरा क्लियर हो जाएगा और वो शब्द एक्चुअल में जो जिंदा हुआ है पूरी तरह से जिंदा हो जाएगा, वरना वो अधमरा टाइप का जिंदा होगा, आधा जिंदा आधा मरा टाइप का। तो पता चला कि लाखों लोगों ने सुना लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि हम पता करें अब्र का एक्चुअल मीनिंग क्या है। उन्होंने आगे पीछे के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक अंदाज लगा लिया, लेकिन फिर भी वो शब्द उनके कान में है, जबान में है, तो जिंदा तो हो गया, और जितने लोगों ने भी उसके मतलब को जान लिया उनके लिए शब्द पूरी तरह से जिंदा हो गया। तो ये योगदान तो है गीतों का शब्दों को जिंदा करने में। तो आगे बढ़ते हैं, जब एवोल्यूशन की बात आ रही है, बदलते स्वरूप की बात आ रही है, तो हमको सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उसमें एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है कि आजकल फेसबुक पे और कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे कई सारे ऐसे लिटरेरी ग्रुप्स बन गए हैं जहाँ पर लोग लिखते हैं और बड़ी तारीफें बटोरते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि वो कुएं में के मेंढक हो गए हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों से तारीफें बटोर रहे हैं और उन्हीं को तारीफ दे रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, तो पहला बात तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो अपना लिख रहे हैं या किसी दूसरे का लिख कर करके वाहवाही बटोर रहे हैं। कई बार हम लोग जब वाहवाही करते हैं हमको पता भी नहीं होता कि वाकई ये व्यक्ति लिख रहा है कि नहीं। और दूसरी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वास्तव में वाहवाही नहीं होती है, वास्तव में हम उपस्थिति दर्ज करा रहे होते हैं। जब हम किसी को अंगूठा दिखाते हैं कि लाइक, इसका ये मतलब नहीं है। कई बार तो सोशल मीडिया बड़ा डर लगता है, आज अगर आप लिख दीजिए कि हमारे जो है दादा का प्राणांत हो गया तो उसको भी लोग लाइक करते हैं। तो जो भाव है, जो है एक अपने आप कहते हैं कि तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला, तो आजकल ये परिपाटी जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी चलने लगी है। और जैसा कि आपने कहा कि लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, वो छोटे छोटे जो है कुएं जैसे हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो नाम आपने कभी बाहर सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि जो मूल जो लेखन है वो जनता के बीच में जाना चाहिए। आज जो है 130 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, अब 130 करोड़ में आपने 100 लोगों का ग्रुप बना लिया और वहाँ पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो उसको जो हम लोग जो है सकारात्मक वे से नहीं देखते। क्योंकि जो लिखना होता है वास्तव में पन्नों पर जो लिखा जाता है, और पन्नों पर लिखने के बाद जब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाता है, तमाम ई पत्रिकाओं के माध्यम से जा रहा, तमाम वेबसाइट्स के माध्यम से जा रहा, तमाम पोर्टल के माध्यम से जाता है, तब पता चलता है कि उसकी पठनीयता जो है क्या है। और दूसरी बात, जो ये तारीफें मिलती है ना, वाह वाह बहुत सुंदर, इसका ये मतलब नहीं कि वाकई ये बहुत सुंदर हुआ, इसका मतलब कि मैंने देखो तुमको बहुत सुंदर कह दिया, अब तुम मेरी भी पोस्ट पर आकर के इसको बहुत सुंदर जो है कहना। तो ये जो इस प्रकार का जो आदान प्रदान चलने लगा। और तीसरा,
जब हम लोग पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे पत्र आते हैं, बड़े आलोचनात्मक पत्र आते हैं, कई बार उसकी व्याकरणिक त्रुटियों को भी लोग दिखाते हैं, कई बार उसके कंटेंट पर सवाल भी उठाते हैं। मेरी समझ से सोशल मीडिया पर यह सब चीज़ नहीं है। तो वही लाइन कहूँगा, तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला, इस भाव से निकलने की जो है ज़रूरत है। बहुत खूब संदीप नाथ जी, ये आखिरी सवाल आपसे कि आपकी मादरी जबान जैसे आपने कहा है कि बांग्ला है, लेकिन हिंदी उर्दू में महारत कैसे, और आजकल बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल पोएट ज़्यादा हो चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो अफसोस है कि मुझे तीन भाषाएं आती हैं, मैं तो चाहता हूँ 13 सीख लूँ। मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो गुज्जू दोस्तों से जो मेरे जो वहाँ पर हैं बम्बई में उनसे पूछता रहता है, बताया अरे क्या सर छोड़िए ना, आप हिंदी उर्दू में रहिए ना, तो केम छो मजामा ये सब दो चार लाइनें तो क्या है। भाषा तो जितनी आ जाए उसका एक शब्द भी अगर आता है, कल रात में मैं कहीं पर बैठा था, अचानक उन्होंने बताया वो गुजराती में बात कर रहे थे, अचानक पता चला वो ओरिजिनली तमिल है और उनकी वाइफ जो है वो तमिल है लेकिन पढ़ी लिखी है उड़ीसा में, उनको उड़िया भी आती है। तो मैंने उनको 7 शब्द तमिल के सुना दिए तो वो मेरे एकदम फ़ैन हो गए, बोले अरे वाह। तो इतनी तारीफ उन्होंने मेरे गानों के लिए नहीं की कि यार आप बंगाली हो के तमिल कैसे सीख गए। तो मैंने बताया कि ट्रेन में मुझे एक बार एक तमिल की सीट बगल में पड़ी थी और वो बनारस जाना चाह रहे थे और डर रहे थे पंडा लोगों से, तो उन्होंने मुझसे दोस्ती की, तो मैंने उनसे कहा कि भैया और तो कुछ नहीं हो सकता तो मुझे कुछ तमिल के वर्ड सिखा दे, और वो मुझे जितने याद रह गए। तो मेरी भले मादरे जबान बंगला है लेकिन मैं चूँकि पैदा उत्तर प्रदेश में हुआ और वहाँ मुझे माहौल मिला, 8-9 शहरों में जाने का मौका मिला, और जितनी उर्दू मुझे आती है, काफ़ी लोगों को बड़ा वो लगता है कि मैं कोई बहुत लिटरेरी पर्सन हूँ, वो सब सिर्फ सुन के आई है। मुस्लिम परिवारों में जो मैं जाता था या जो लोग उर्दू यूज़ करते थे, ये भी लोगों की गलत फहमी है कि सिर्फ मुसलमान लोग उर्दू बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदू लोग भी उतनी ही उर्दू बोलते हैं, तो वो सुन सुन के श्रवण की ताकत है वो, तो इस तरीके से मैंने सीखा है और सुन के सीखा जा सकता है। तो यादव जी और उनकी अहलिया, जब मैं लाउंज में अहलिया जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उन्होंने कहा कि अहलिया मत बोलिए, लोग आलिया समझ जाएंगे। तो यादव जी की धर्मपत्नी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो उन दोनों ने बेस्ट हिंदी ब्लॉगर कपल ऑफ द डेकेड अवार्ड जीता है, तो तालियां उसके लिए। तो उसके सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ज़माना था जहाँ पर कतो किताबत काफ़ी ज़्यादा होती थी, लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ ज़्यादा लिखा करते थे, और चिट्ठियाँ जब लिखते थे लोग तो उनकी ज़बान भी काफ़ी अच्छी होती थी। लेकिन आजकल क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बदल गए हैं, स्लैंग्स इस्तेमाल होने लगे हैं, जैसे लफ्ज़ जैसे LOL या RO FL या FOMO, ऐसे वर्ड्स का जो इस्तेमाल हो रहा है इसकी वजह से मेरे हिसाब से जो ज़बान में वज़न है वो कम हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें कहूँगा। पहली बात, आपने जो है जीवन संगिनी से उठाया जो है, तो मुझे लगता है कि कई बार मुझे जो है बड़ा सपोर्ट मिलता है। लोग कहते हैं कि शादियों में लोगों के गुड़ मिलाए जाते हैं, जन्मपत्री मिलाई जाती है, लेकिन हम लोगों के लगता है कि साहित्यिक पत्री मिलाई गई थी, इसलिए जो है अच्छी शादी हुई जो है, और उसका कई बार बड़ा फ़ायदा मिलता है। घर में बैठा हुआ जो कहते हैं ना कि हम आलोचनाओं के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, घर में ही बैठ करके आलोचना मिल जाती है कि ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, या इसमें ऐसे जो है सुधार किया जा सकता है। और दूसरा होता है कि कई बार जो है विचार हमारे मन में आते हैं, कलम इनकी चलती है, और या इनके मन में जो है विचार आते हैं, कलम जो है हमारी चलती है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हमारी 2 बेटियां हैं, आज वो भी जो है साहित्य और ब्लॉगिंग में जो है नाम कमा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार जो है हम अगली पीढ़ियों को जो है दे पाए। जहाँ तक खतों किताबत की बात है, उसमें कोई शक नहीं कि जो खतों का जो दौर था, उन खतों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और आज वो तमाम जो है खत जो है कहीं ना कहीं जो है साहित्य के रूप में जो है सुरक्षित हैं। खतों के माध्यम से हम पूरी की पूरी एक जो है पीढ़ी को जो है समझते हैं। बहुत समय नहीं है लेकिन बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, शायद एक व्यवहारिक चीज़ है। एक बिहार के एक बड़े सीनियर IAS ऑफिसर हैं जो कि दिल्ली में पदस्थ हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। उस दौर बहुत लंबे समय पहले उनसे एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो बार बार जो है उनकी मम्मी जो है उनको खत लिखा करती थी, खत में बहुत कुछ लिखा करती थी। एक दौर आया, इन्होंने अपनी माँ को कहा कि ये क्या खत लंबा लंबा लिखती हो, तुमको भी कष्ट होता होगा माँ, अब ऐसा किया करो तुम ये जो है मोबाइल ले लो और मेरे से बात किया करो। अब ये जब भी मोबाइल पर बात करते तो मोबाइल पर बात होती। संजोग पर 2 साल बाद जो है वो गांव लौट कर करके गए, तो देखिए कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने कहा मैं लगभग तुमसे डेली जो है बात करता हूँ और तुमने जो है कभी मुझे बताया नहीं। तो बोले बेटा तुम बात की शुरुआत कैसे करते हो, तुम पहला ही सवाल यही पूछते हो, माँ सब ठीक ठाक है ना, तो बताओ कि फिर मैं माँ के रूप में अपने बेटे को कष्ट कैसे दूँ। तो
मैं उस चीज़ को बोलती हूँ, हाँ बेटा सब ठीक ठाक है। जब मैं पत्र लिखती तो उसमें सारी बातें होती थी कि मुझे खांसी आ रही है, पड़ोसन की जो है गाय को जो है बच्चा पैदा हुआ है, वहाँ जो है उसकी लड़की घर से भाग गई, न जाने कितनी बातें, पूरा का पूरा जो है परिवेश आ जाता था। लेकिन अब तो बस वही चीज़ें हैं कि हाय हेलो और तुम सब ठीक हो, हम वही बातें करते हैं। तो ये छोटा सा उदाहरण कि बस जो व्यवहारिक ज़िंदगी में हो रहा है, इसलिए खतों किताबत की ज़िंदगी को जो है सुरक्षित रखिए। आगे जो है यही सारी चीज़ें साहित्य भी बनेंगी, और जो आपके बच्चे जब बड़े होंगे जब पढ़ेंगे तो सोचिए। और अभी देखिए कि खुद जो फेसबुक के संस्थापक साहब हैं, उनको भी एक बिटिया का जन्म हुआ, तो उन्होंने फेसबुक पर अपनी भावना नहीं लिखी, बल्कि उसके नाम एक बड़ा खूबसूरत पत्र लिखा है और उसको बॉक्स में सुरक्षित रखा है कि जब ये बिटिया बड़ी हो जाएगी तो ये पढ़ेगी कि उसके प्रति जो है मेरे भाव क्या थे। बहुत खूब। अब संदीप नाथ जी इस मौजू पर कुछ रोशनी डालेंगे, उसके बाद वी विल बी ओपन टू द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। क्या कि वो मेरी पत्नी तो खैर लिखती नहीं है, लेकिन मेरे लिखने में उनका बड़ा भारी योगदान होता। जैसे कहा कि एक स्वाभाविक आलोचक घर में मिल जाता पत्नी के रूप में। मैं पहले भी यहाँ एक बार इस बारे में बात कर चुका हूँ, क्योंकि सब कुछ भी जब कोई लिखता है, यानी लेखक की पत्नी अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेखक है, जो बिना लिखे भी लेखक बन सकती है, क्योंकि पहले ही टीका टिप्पणी उन्हीं से आती है। और मेरी बीवी के साथ तो बड़ा चक्कर है कि मैं कैसा लग रहा है, तो ठीक लग रहा है, बाकी तुम देख लो। अब ठीक तो लग रहा है, मैं बड़ी समस्या हो जाती है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। और घर में अगर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली तो बाहर क्या करेगी पब्लिक, तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन ये बात सही है कि पत्नी के रूप में हम लोग को एक स्वाभाविक आलोचक मिला रहता है, जो हमें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखता है। इसलिए हर लेखक को अपनी बीवी से बात करनी चाहिए अपनी कृति के ऊपर, और उससे पहले अप्रूवल लेना चाहिए। तो सवाल जवाब शुरू करें हम। ये तो बड़ी चिंताजनक बात है, और उसका तरीका ये है कि भैया बिना ट्रेडमार्क किए भी उसको हम लोग ये जो बात कही गई इसको देखिए सोशल मीडिया पे फैलाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया उन चीज़ों से बड़ा अनसोशल होता जा रहा है। सोशल मीडिया का एक्चुअल इस्तेमाल इन बातों से, जो बात आपको पता है ये औरों को भी पता चल जाए। और अगर नहीं भी मिलता है ट्रेडमार्क तो हमें तो करना चाहिए, क्योंकि उस नाम से जिससे कि वो जिंदा रहे और ये पता चल जाए कि होली का पर्यायवाची ये भी है जो डांग इलाके में बोला जाता है। तो हमें तो प्रयास करते रहना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। ट्रेडमार्क नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, हम उसको इतना प्रचलित कर देंगे। हमें हल्दी का ट्रेडमार्क बहुत बाद में मिला है, पेटेंट बहुत, इस पर मैंने एक बार पहले भी बोला था कि ऐसे तो जितनी हम बातें करते हैं सब बातें हो चुकी हैं, सब लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है। तो मैंने एक बार ये रखा कि सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बात दोहराई नहीं जाएगी तो भूल जाएगी, हमें दोहराते तो इस तरीके से। जो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं जो शंकर यादव साहब कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा चीज यही होता है कि जो भी हम लोग यहाँ से नया सीखें, जैसे आपने एक नया शब्द बताया, तो हम सभी की जिम्मेदारी है घर बैठे जो घर बैठे हैं कि वाकई में सामाजिक तौर पर तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और जहाँ तक साहब ट्रेडमार्क है, अभी देख लीजिए वो रसगुल्ले को लेकर के ट्रेडमार्क चला, उड़ीसा और बंगाल में से कौन लेगा वो तो बात का सवाल है, लेकिन लोगों ने खाना तो मन से स्टार्ट किया। वैसा नहीं है कि अगर ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा तो चीज़ें नहीं चलेंगी, कई बार चीज़ें इतना तेजी से चल जाती हैं कि एक दिन ट्रेडमार्क वाले आएंगे कि अच्छा अब इस शब्द को हम लेंगे जो है। शुक्रिया, वक्त की कमी की वजह से मैं और सवाल नहीं ले सकती, माफ कीजिए। तो भाषा और ये जो उद्वान हमें दिया गया है, ऐसा उद्वान है कि सदियां लग जाएंगी, घंटों लग जाएंगे, लेकिन हम बात करना नहीं कभी भी खत्म नहीं करेंगे। लेकिन आपका आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इस सेशन में ऑडियंस बन के बहुत इंटरेस्ट से सुना हमें। और थैंक यू यादव जी और संदीप जी फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स टू दिस। थैंक यू। मैं
कुमार चंद्र यादव जी से निवेदन करती हूँ कि वो कृपया मंच पर आए और हमारे अतिथि को